मेरा प्रेजेंटेशन भी नहीं दिख रहा है क्या रहा है? मतलब अभी क्या मेरी आवाज आ रही है या कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा था, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ हाँ रहा सर, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सर। था। ओके तो इसके पहले मैं जितना भी बोल रहा था कुछ सुनाई नहीं दिया? नहीं अच्छा सुनाई ठीक दे रहा था। है, तुम लोग की भी आवाज नहीं आ रही थी ओके मेरे पास, सो विल स्टार्ट अगेन। ओके जी। तो हम लोग स्टार्ट किए थे फार्माकोलॉजी, राइट? तो फार्माकोलॉजी मींस ड्रग। द टर्म फ्रेंच वर्ड से ड्रोगे से लिया गया, जिसका मतलब होता है ड्राई हर्ब। लॉजी मींस टू स्टडी, सो वी आर स्टडिंग द ड्रग्स फार्माकोलॉजी में। अगर एज सच हमारा जो कार्टून मैंने बनाया था, इसमें हम एक डिस्क्रिप्शन देखें तो आई होता है, ENT होता है, राइट? मतलब ऑल दिस दिस ENT, राइट? ENT का दूसरा नाम क्या है? ऑटो लैरिंगो राइनोलॉजी, ठीक है? तो ऑटो मीन्स ईयर होता है, राइट? राइनो मीन्स नोज, ईएनट मतलब, और ये होता है थ्रोट, ठीक है? और उसके बाद तुम्हारा यहाँ लंग्स है, तो हमारा लंग्स हो गया। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिर्फ लंग्स नहीं होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज से लेके स्टार्ट होके, राइट, पूरा लैरिंग्स, कुछ पार्ट ऑफ फेरिंग्स ऑल्सो, नो नेजल फेरिंग्स, लैरिंग्स मेनली, ठीक है? और लैरिंग्स के बाद क्या आता है? यहाँ पे लैरिंग्स, राइट? यहाँ बाइफर्केशन आता है ब्रोंकस, एंड ब्रोंकस के पास आता है तुम्हारा लंग्स, ठीक है? यहाँ पे तुम्हारा हार्ट है। तो दिस इज द कार्डियो रेस्पिरेटरी यूनिट, ये पूरा, ठीक है? तो यहाँ पे जो कफ होता है वो मेनली तुम्हारा लैरिंग्स पे डिफाइन होता है, लैरिंग्स के ऊपर एंड लैरिंग्स के नीचे। अब हाँ बोलो, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है यार? कभी मेरी आवाज नहीं आ रही, कभी ये नहीं हो रहा है, रुको एक मिनट, आई एम सो सॉरी, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। एम आई ऑडिबल? यस सर। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी दिख रहा है, राइट? चलो ठीक है, यस चलो ओके, हाँ सर। यू कैन स्टार्ट द वीडियो। सो वी आर ऑलरेडी लेट, 8 मिनट्स लेट, ठीक है? आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। वी आर 8 मिनट्स लेट, विल ट्राई टू कंप्लीट इट इन 40 मिनट्स। सो फार्माकोलॉजी एज सच इज द स्टडी ऑफ द ड्रग्स, राइट? दिख भी नहीं दिया होगा, दिखाई भी नहीं दिया होगा, सो लीव इट। मैंने सब सिस्टम के बारे में बताया, आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम बताने जा रहे थे, ठीक है? जिसमें हम लोग कफ पढ़ेंगे, ठीक है? तो इन जनरल कफ क्या है? दिस कफ इज व्हाट? कफ इज एन एक्सप्लोसिव एक्सपिरेशन, ठीक है? फॉर नॉर्मल प्रोटेक्टिव मैक एज अ नॉर्मल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, ठीक है? नॉर्मल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। सो इट क्लीन्स द ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री। तो यहाँ पे अगर मैं बोलू तो ये है ट्रेकिया, ठीक है? ये है ट्रेकिया, सॉरी, दिस इज द नोज, सपोज दिस इज द नोज, विल मेक इट अगेन, ठीक है? दिस इज द नोज, राइट? और ये रहा तुम्हारा नेजो फेरिंग्स, और यहाँ से रहा फेरिंग्स, ठीक है? यहाँ ओपनिंग होती है फेरिंग्स की, इनलेट ऑफ लैरिंग्स बोलते हैं। दिस इज द फेरिंग्स फूड पाइप, दिस इज द लैरिंग्स विंड पाइप, ठीक है? आगे बढ़े, ट्रेकिया आया, ठीक? और यहाँ पे क्या होगा? बाइफर्केशन, दिस इज द ट्रेकिया और दिस इज द ब्रोंकस। तो ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री में यहाँ पे किसी भी तरह के तुम्हारे फॉरेन का कोशिश करेगा, ठीक है?
So it is a norm, it is an explosive expiration or normal protective mechanism for cleaning the tracheobronchial tree. ये उसका definition हो गया. अगर हम लोग बोले कफ क्या है, तो कफ इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स. ऑब्वियसली कफ इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, ठीक है. इट इज एन एक्सप्लोसिव रिस्पॉन्स और इट इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस. ओके, व्हाट आर द ड्रग्स कॉजिंग कफ? तो उसमें आ जाएगा एस इनहिबिटर्स, जैसे कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, ये सब, ठीक है. इनहेलेशनल मेडिकेशंस आएंगे, जैसे इनहेलेशनल मेडिकेशंस, जैसे एनेस्थेटिक कुछ ड्रग्स हो गए, ईथर हो गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गया, क्रोमेलिन सोडियम हो गया, ठीक है. एमियोडेरोन और आयोडीन, इससे भी तुम्हारा कफ होता है, ठीक है. तो अगर तुमको पूछा जाएगा कि कफ का कौन कौन से दवाइयों के कारण कफ होता है एज अ साइड इफेक्ट, तो तुम ये नाम बताओगे. इंटरव्यूज ये समय पूछा जाता है. अब क्या है इंट्रैक्टेबल कफ? ये टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इंट्रैक्टेबल कफ मतलब ये कफ जो है वो जल्दी ठीक नहीं होता है, ठीक है. तो ये किसमें देखा जाएगा? तो ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा, कैंसर में, ठीक है. जो ब्रोंकस से ओरिजिन करने वाले जितने भी कैंसर्स होते हैं, उसमें इंट्रैक्टेबल कफ रहेगा एज अ सिम्टम. नाउ अब टाइप्स ऑफ कफ. तो टाइप्स ऑफ कफ में क्या होगा? ड्राई कफ एंड वेट कफ. ड्राई कफ को हम बोलते हैं यूजलेस कफ, क्योंकि कुछ बाहर निकलता नहीं है. इट इज एक्चुअली ड्यू टू सम एलर्जी, इसको एलर्जिक कफ भी बोलते हैं. वेट कफ इज एक्चुअली समथिंग यूजफुल या फिर समथिंग प्रोडक्टिव, ठीक है. और ये क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द इन्फेक्टिविटी या समथिंग इन्फेक्ट. सबसे पहले हम लोग टाइप्स, तो कफ कितने तरह का हुआ? दो तरह का, एक ड्राई एक वेट. ड्राई कफ इज यूजलेस और एलर्जिक. वेट कफ इज राइट इज यूजफुल, प्रोडक्टिव और इन्फेक्टिव. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑनसेट, कफ कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं. ओके, तो हम लोग याद रखेंगे 3 to 8, ठीक है. तीन से अगर कम रहेगा तो एक्यूट, तीन और एट के बीच में रहेगा तो सब एक्यूट, और एट से अगर ज्यादा रहेगा तो क्रॉनिक, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, अक्यूट कब होगा? मतलब जस्ट इमरजेंसी में, जस्ट अभी तुरंत हुआ है, कुछ ऐसा हमने किया जिसके कारण अभी तुरंत कफ हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एक्यूट कफ, ठीक है. तो किसी भी तरह के एस्पिरेशन से होगा, कोई भी चीज गला में चला जाए. गला में चला जाने मतलब लैरिंग्स में चला गया गलती से, फूड पार्टिकल हो गया या कोई भी हो गया सब्सटेंस, फॉरेन बॉडी, धूल चला गया, तो हम लोग खांसने लगते हैं, राइट. तो एनी एस्पिरेशन विल लीड टू एक्यूट कफ रिस्पॉन्स, ठीक है. सब एक्यूट में क्या होता है? सब एक्यूट एक्चुअली ये बीमारी एक होती है पर्ट्यूसिस. हम लोग पढ़े डीपीटी वैक्स में क्या है, पर्ट्यूसिस मतलब वोफिंग कफ, वोपिंग कफ, ठीक है. इसमें क्या होता है, घोड़ा जैसे आदमी खांसता है मतलब एक लगातार, ठीक है. तो ये पहले होता था जब वैक्सीन नहीं मिलते थे, अब वैक्सीन मिलते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जनरली पेशेंट्स में नहीं देख पा रहे, ठीक है. लेकिन ये सब एक्यूट कफ था, 3 to 8 weeks में ही रहेगा, न इससे ज्यादा न इससे कम, ठीक है. क्रॉनिक कफ जनरली जो होता है वो कार्डियक ओरिजिन होता है, ठीक है ना, कार्डियक ओरिजिन. तो कार्डियोपल्मोनरी जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, उसमें क्रॉनिक कफ देखने को मिलेगा, ठीक है. सो कफ कितने तरह के हो गए? ड्राई और क्या होंगे? वेट. अब आते हैं ड्राई कफ. तो ड्राई कफ नाम से ही लिखा हुआ है, इट विल बी एलर्जिक, ठीक है. तो अगर ये एलर्जिक कफ है, तो सबसे पहला जो मेडिकेशन हम बोलेंगे प्रिस्क्रिप्शन में, जो तुम लोग देखोगे वो क्या रहेगा, एंटी एलर्जिक दवाई. उसमें हम लोग क्या देंगे, सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, जैसे लीवोसेट्रिजिन कम सिडेटिव है, सेट्रिजिन क्या है, ज्यादा सिडेटिव है, ठीक है. फेक्सोफेनाडिन ये दे सकते हैं, इससे नींद नहीं आएगी. ठीक है, एक्चुअली रेज द थ्रेशोल्ड ऑफ द कफ सेट, इट रिड्यूसेस द टसल इंपल्सेस पेरिफेरली, ठीक है. इसीलिए यहां से टर्म आया एंटी टसिव, ठीक है. और जितने भी एंटी टसिव होते हैं उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं. क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, ठीक है. तो या तो वो एडिक्शन करेगा,
या फिर ड्रॉजीनेस करेगा या कॉन्स्टिपेशन करेगा। लेकिन क्या सारे एंटीटर्सिव्स तुम्हारे ये करेंगे? नहीं, ओपियोइड्स जो होते हैं उनके उनमें एडिक्शन, ड्रॉजीनेस और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। नॉन ओपियोइड्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो मोस्ट कॉमनली हम लोग एंटीटर्सिव यूज करते हैं, ठीक है। जैसे डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन, कोई भी कभी भी तुम लोग को ड्राई कफ हुआ होगा तो कफ सिरप में तुमको डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन जरूर मिलेगा। नाम याद करने के लिए याद रखना डेक्स्ट्रो और लिवो, ये जो आइसोमर होते हैं डेक्स्ट्रो और लिवो यहां से लिया गया है। तो ये डेक्स्ट्रो हो गया और मेथॉर्फेन ड्रग का नाम है, ठीक है। सो हम लोग वापस आते हैं, हम लोग पढ़े ड्राई कफ, इट विल बी एलर्जिक कफ, इट विल बी यूजलेस कफ। एलर्जिक है इसीलिए दवाई सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, एंटी एलर्जिक, ठीक है, लिवोसेट्रिजिन। इसका मतलब क्या, तुम लोग को अगर वेट कफ होगा तो एंटी एलर्जिक नहीं देना है, क्योंकि वो एलर्जिक होगा तो ही हम देंगे, अगर एलर्जिक नहीं है तो हम नहीं देंगे, ठीक है। एंटीटसिव क्या हो गया, इट सप्रेसेस द कफ सेंटर। अच्छा, ये कफ सेंटर क्या होता है, कफ सेंटर तुम्हारा रेस्पिरेटरी सेंटर के बगल में ही होता है। कहाँ पे होता है, अपर पार्ट ऑफ डॉर्सल है और वेंट्रल है। कैसे करेंगे, तो जो जो पीछे का पार्ट होता है, जैसे ये डी पार्ट होता है, तो आगे का जो पार्ट होता है किसी भी आदमी का वो वेंट्रल हो गया, और जो पीछे का पार्ट होता है वो क्या होता है, डॉर्सल होता है। तो मेडुला का पीछे का पार्ट, दैट इज अ डॉर्सल मेडुला, उसका अपर पार्ट में पाया जाता है कफ सेंटर, जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी सेंटर से अलग होता है, ठीक है। और एंटीटसिव क्या करता है, इसी कफ सेंटर को क्या करता है, जाके सप्रेस कर देता है। तो कौन कौन सी दवाइयां थी हमारे पास, हम लोग अभी डिस्कस किए ही थे, ओपियोइड्स हो सकते हैं एंटीटसिव, नॉन ओपियोइड्स हो सकते हैं। तो ओपियोइड्स में क्या क्या होगा, कोडीन, आई एम सॉरी, कोडीन और मॉर्फिन। मॉर्फिन से भी ज्यादा एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स यूज करते हैं, बट मतलब अभी इसको एक्चुअली यूज नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। याद रखना कोडीन से मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, कोडीन का एडिक्शन तो होता ही है, ड्रॉजीनेस तो होता ही है, कॉन्स्टिपेशन, सी से कोडीन, सी से कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो ये सब ओपियोइड्स एंटीटसिव के साइड इफेक्ट्स है, नॉन ओपियोइड्स में ये सब नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो उसका पहला एग्जाम्पल क्या है, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन, जो सबसे कॉमनली यूज किया जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोई भी कफ सिरप तुम उठाओगे, ग्रिलिंटस हो गया, तो सब में तुमको ये मिलेगा, जो ड्राई कफ के लिए है तो वो इसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन जरूर होगा, ठीक है। नोस्कैपिन एक अदर मॉलिक्यूल है जो बहुत कम कॉमनली यूज करते हैं, बट स्टिल वी यूज इट। मॉर्फिन, मॉर्फिन जो होता है जनरली क्या है, पेन किलर है, ठीक है। तो आर्मी आर्मी लोग जितने होते हैं वो लोग हमेशा एक मॉर्फिन का पैक रखते हैं, मतलब गोली लग गया, ठीक है, मतलब कोई भी इंसिडेंस हुआ तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, मॉर्फिन शॉट अपना लगाते हैं, ठीक है। तो वो हमेशा आर्मी में, और जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनमें जो कैंसर पेन होता है उसमें हम लोग एंड पॉइंट में हम लोग मॉर्फिन यूज करते हैं। इवन तुम्हारा जो एंजाइना का सीवियर पेन होता है उसमें भी हम लोग मॉर्फिन यूज करते हैं। तो अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेशेंट आता है तो हम मॉर्फिन उसमें यूज करते हैं, ठीक है, बट जनरली उसको यूज करना ज्यादा ये नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मॉर्फिन का ओवरडोज हो जाएगा तो फिर हम लोग को नेलोक्सोन देना पड़ता है, ठीक है। ये मॉर्फिन का क्या है, मॉर्फिन का एंटीडोट है, ठीक है। अगला दवाई जो ड्राई कफ, हम लोग ड्राई कफ पढ़ रहे थे, आई रिपीट अगेन, हम लोग ड्राई कफ पढ़ रहे थे। ड्राई कफ में क्या था, सबसे पहले एलर्जिक कफ था तो एंटी एलर्जिक दिए, देन एंटीटसिव दिए, और उसके बाद क्या था, डीमल्सेंट, ठीक है। तो एंटीटसिव क्या हो गया, कफ सेंटर को सप्रेस किया। डीमल्सेंट जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन डीमल्सेंट इन आवर बॉडी, तो तुम्हारा आंसर होगा सलाइवा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डीमल्सेंट का काम क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा बढ़ा देगा। तो तुम लोग जितने भी लॉजेंज खाते हो, विक्स खाते हो, स्ट्रेप्सिल खाते हो, तो वो क्या करता है, सलाइवा के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। तो कोई भी कैंडी शुगर हो गया, लेमन ड्रॉप हो गया, लॉजेंज हो गया, ये क्या करेगा, सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ा देगा। और बहुत सारा जैसे कॉफलेट हो गया, ये सब क्या है, ये सब में तुम्हारा हनीटस हो गया, ये सब में क्या रहेगा, तुम्हारा जड़ी बूटी रहेगा, ठीक है, कुछ केमिकल्स रहेंगे, वो क्या करेगा, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, ठीक है ना। तो ये है,
अगर तुम हमको पूछोगे कि सर कफ में आप डॉक्टर पेशेंट लोग को क्या क्या देते हैं, फेरिंजाइटिस हो गया, लेरिंजाइटिस हो गया, क्या देते हैं, तो हम इवन सेरासियोपेप्टिडेज भी देते हैं, सेरासियोपेप्टिडेज, ठीक है, सेरासियोपेप्टिडेज जो होता है, पेप्टिडेज, ठीक है, तो ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तो फेरिंजाइटिस लेरिंजाइटिस में इवन ये भी काम करता है, ठीक है, लेकिन बहुत लोग इसको जनरली ये ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में जीरोडोल एसपी नाम सुने होंगे, जीरोडोल एसपी, तो जीरोडोल एसपी में एसपी जो होता है यही सेरासियोपेप्टिडेज होता है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तो अगर किसी को पेन या बुखार वैसा नहीं है तो जीरोडोल एसपी क्यों देंगे, एकदम नहीं देंगे, हम लोग प्लेन एसपी दे सकते हैं, तो कफ में कभी कभी हम ये भी देते हैं जिससे तुरंत फेरिंजाइटिस लेरिंजाइटिस कम हो जाता है, अपना फंडा है, राइट। तो कफ हम लोग पढ़े दो तरह में, व्हाट इज वेट कफ, वेट कफ इज प्रोडक्टिव कफ, ठीक है, कुछ निकल रहा है बाहर, बलगम, वेरी गुड। तो हम लोग क्या होता है, पूछेंगे पेशेंट से कि आपको किस तरह का कफ है, बोलेगा सर ड्राई कफ है, खांसी बलगम निकलता है, तो बोलता है हाँ निकलता है, तो वो वेट कफ हो गया, अगर नहीं निकलता है तो क्या हो जाएगा, ड्राई कफ हो गया। फिर पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम उनसे पूछते हैं कि जो बलगम निकलता है वो सादा होता है या पीला होता है, सादा मतलब क्या हो गया, वो एलर्जिक हो सकता है, ठीक है, ठीक है ना, और अगर पीला हो गया तो फिर वो क्या होगा, वो इन्फेक्टिव होगा, तो दैट इज द ओनली इंडिकेशन फॉर एंटीबायोटिक। अगर पीला कफ आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग सोचेंगे कि उसको इन्फेक्शन हो गया है, तो हम लोग उसको एंटीबायोटिक देंगे, लेकिन एज सच कफ में कभी एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कभी भी सर्दी खांसी होती है तो सबसे पहले एजिथ्रोमाइसिन ले लेते हैं, एजिथ्रोमाइसिन का कोई रोल नहीं है कफ में, बट फिर भी हम लोग लेते हैं, क्यों, साइकोलॉजिकल है, कहीं पर डॉक्टर लिख दिया था तो हम लोग ले लिए, कभी नहीं लेना चाहिए, देर इज नो यूज, देर इज नो रोल ऑफ एंटीबायोटिक इन कफ, ठीक है। कफ में कब यूज करेंगे, जब पीला पीला खांसी या पीला बलगम आएगा, ठीक है। तो वेट कफ का क्या ट्रीटमेंट होगा तब, तो सर वेट कफ का क्या ट्रीटमेंट है, तो वेट कफ को हम लोग देंगे एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है। तो हम लोग कभी कभी लिखते हैं कि पेशेंट बोला कि सर कौन सा कफ सिरप ले, हम बोलेंगे एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप लीजिए, ठीक है ना, तो एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप बोलेंगे, उसमें डेक्सट्रोमेथॉर्फन होगा, डेक्सट्रोमेथॉर्फन कभी नहीं, अगर डेक्सट्रोमेथॉर्फन हो जाएगा अगर एक्सपेक्टोरेंट में, तो क्या हो जाएगा कफ से, हम लोग का टारगेट क्या है, हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पे इरिटेशन हो रहा है, खांसी हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, कफ सेंटर को बंद कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको कफ को बाहर निकालना है, जमा हुआ कफ को बाहर निकालना है, तो हम लोग कफ सेंटर को क्यों हम लोग सप्रेस करेंगे, कफ सेंटर को स्टिमुलेट करेंगे कि वो बाहर फेंकने दे, राइट। तो हम लोग क्या देंगे, एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है। तो वेट कफ में क्या देते हैं हम लोग, एक्सपेक्टोरेंट। अब जो एक्सपेक्टोरेंट होता है वो दो तरह का होता है, म्यूकोकाइनेटिक, म्यूकोलाइटिक, इसका मतलब क्या हो गया, इसका नाम क्या है, म्यूको, म्यूको मतलब म्यूकस, तो म्यूकस का क्या करेगा, ये काइनेटिक कराएगा, मतलब मोशन कराएगा, ठीक है, मूवमेंट कराएगा, और ये क्या करेगा, म्यूकस को पतला करेगा, ठीक है, मतलब गाढ़ा सा म्यूकस है, कफ आता है उसको हम लोग पतला करेंगे, ठीक है। तो ये म्यूको लाइटिक, ओके ओके प्लीज म्यूट योरसेल्फ, तो म्यूकोकाइनेटिक या फिर म्यूकोलाइटिक, राइट। म्यूकोकाइनेटिक आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज द डायरेक्ट एक्सपेक्टोरेंट एंड सेकंड इज द रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है। हम लोग फिर से शुरू करते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं, वेट कफ कैन बी ऑफ यूजफुल और इन्फेक्टिव और प्रोडक्टिव, ठीक है, और उसके लिए दवाई क्या देंगे, एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट क्या करता है, इट रिमूव द म्यूकस और इंक्रीज द म्यूकस क्लियरेंस, ठीक है। वो कितने तरह का होता है, दो तरह का, म्यूकोकाइनेटिक और म्यूकोलाइटिक। म्यूकोकाइनेटिक क्या करता है, स्टिमुलेट द ब्रोंकियल सिक्रेटरी ग्लैंड, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सिक्रीशंस होंगे, ग्लैंड है, सिक्रीशन होगा, तो जितना भी तुम्हारा कफ जमा हुआ है यहाँ पे जितना भी कफ जमा हुआ है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकलने लगेगा, मतलब ग्लैंड से सिक्रीशन होगा ऐसे करके, राइट। तो सिक्रीशंस हो जाएंगे, बहुत सारा कफ को क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा और एक्सपेक्ट करके बाहर फेंक देगा, ठीक है, कफ आउट हो जाएगा। तो ये है म्यूकोकाइनेटिक का काम, यहाँ जो सीलिया होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, उसको स्टिमुलेट करके वहां से बाहर फेंक देगा, ठीक है। म्यूकोलाइटिक का काम क्या है, इट डिक्रीजेस द विस्कोसिटी, गाढ़ापन को कम करेगा, पतला करेगा, ऑफ म्यूकस एंड फैसिलिटेट्स इट्स रिमूवल बाय द सीलियरी एक्शन,
यहाँ भी इसका सीलिया पे उसका रोल है, और क्या करेगा, इट डीपोलमराइजेस द पॉलीसेक्राइड्स एंड इंक्रीजेस द लाइसोसोमल एक्टिविटी, जो लाइसोजाइम होते हैं उसके एक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। उससे क्या होगा, जो तुम्हारा म्यूकस है, थिक म्यूकस है, उसको वो लाइस करने में मदद करेगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, म्यूकोलाइटिक का, ठीक है, हम लोग अभी म्यूकोलाइटिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो पिघला रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ एग्जाम्पल आता है एम्ब्रोमहेक्सीन और एम्ब्रोक्सोल, जो होता है कोई भी कफ सिरप में अगर एम्ब्रोक्सोल लिखा हुआ है या ब्रोमहेक्सीन लिखा हुआ है, तो वो क्या हो रहा है, वो म्यूकोलाइटिक है, वो हमारा कफ को क्या कर रहा है, पिघला रहा है। तो तुम लोग कफ सिरप में बोल देखते हो ना एम्ब्रोक्सोल रहता है, एम्ब्रोक्सोल का काम क्या है, वो कफ, गाढ़ा कफ को पिघलाएगा। इसी को भारी भारी खास रहे तो तुम लग रहा है छाती में पूरा कफ भरा हुआ है ना, तो हम लोग एम्ब्रोक्सोल देंगे। एम्ब्रोक्सोल इज एक्चुअली द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ ब्रोमहेक्सीन। पहले ब्रोमहेक्सीन यूज किया जाता था, उसके बाद देखा गया कि ब्रोमहेक्सीन एक्चुअली एम्ब्रोक्सोल में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम लोग अब एम्ब्रोक्सोल को डायरेक्टली यूज करते हैं। इसलिए तुम लोग कोई भी कफ सिरप देखोगे उसमें एम्ब्रोक्सोल तुमको दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा तीन और है, डॉर्नेज अल्फा, कार्बोसिस्टीन, एसिटाइल सिस्टीन। ये जो तीन नाम हम लिखे हैं, दीज आर यूज टू डिजोल्व अ थिक म्यूकस प्लग। ठीक है, थिक म्यूकस प्लग जो कौन कौन से बीमारी में होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ क्लोराइड चैनल डिसऑर्डर, दिस इज द CFTR प्रोटीन डिसऑर्डर। ठीक है, जिसमें तुम्हारा बहुत गाढ़ा गाढ़ा कफ बनता है। ओके, गाढ़ा कफ मतलब वेरी थिक म्यूकस। ठीक है, वो निकलना आसान नहीं होता है और बहुत प्रॉब्लम होता है। क्लोराइड चैनल प्रॉब्लम है, सीलिया में भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकस का क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से भी तुम्हारा सीलिया डैमेज हो जाता है, उससे मूवमेंट नहीं होता है, तो म्यूकस जमा होते रहेगा। तो म्यूकस अगर जमा होते रहेगा तो क्या होगा, बहुत थिक हो जाएगा। तो उसको पतला करने के लिए हम लोग क्या देंगे, म्यूकोलाइटिक। क्या देंगे, म्यूकोलाइटिक। ठीक है, तो हम लोग अभी सिर्फ म्यूकोलाइटिक डिस्कस किए। आई रिपीट, इट डिक्रीजेस द विस्कोसिटी ऑफ द म्यूकस एंड फैसिलिटेट्स इट्स रिमूवल बाय द सीलिया रिएक्शन। इट डीपोलमराइजेस द पॉलीसेक्राइड ऑफ द म्यूकस एंड इंक्रीजेस द लाइसोसोमल एक्टिविटी। एग्जाम्पल में ब्रोमहेक्सीन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइल सिस्टीन, कार्बोसिस्टीन, डॉर्नेज अल्फा। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग तो दे देते हैं कफ सिरप, बट कफ सिरप का साइड इफेक्ट भी होता है, ऐसा नहीं कि बैठ के पीते रहो बैठ के आराम से, है ना। तो उसमें GI अपसेट कर सकता है, राइनोरिया कर सकता है, मतलब कफ सिरप पीने से तुमको सर्दी जैसा लग सकता है। और थर्ड क्या है, लैक्रिमेशन, आंसू भी आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग कफ सिरप बहुत ऐसे ही पी जाते हैं, ठीक है ना, बट ऐसे जनरली नहीं पीना चाहिए, ये GI अपसेट भी कर सकता है। ठीक है ना, तुम्हारे वॉशरूम में तुमको प्रॉब्लम होगा, राइट, तो सब देख लेना। म्यूकोकाइनेटिक, म्यूकोलाइटिक पढ़ लिए, अब म्यूकोकाइनेटिक अगर देखे तो क्या होगा, वो दो टाइप का होता है, तो डायरेक्ट एक्सपेक्टोरेंट एंड रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरेंट। इसका मतलब क्या हुआ, तो एक्सपेक्टोरेंट मतलब होता है बाहर फेंकने वाला, तो कफ सेंटर को क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा। तो डायरेक्ट एक्सपेक्टोरेंट जो होता है, इट स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी म्यूकोजल ग्लैंड। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, ये डायरेक्टली ट्रेकियो ब्रोंकियल सिक्रीशन नहीं बढ़ाएगा, ये गैस्ट्रिक को इरिटेट करेगा। तो गैस्ट्रिक जब इरिटेट होगा तो ऑटोमेटिक ट्रेकियो ब्रोंकियल सिक्रीशन होगा। अब ये क्या मतलब हुआ, मेरा मतलब ये है कि ये हुआ लैरिंग्स और ये हुआ फेरिंग्स। ठीक है, ये हुआ स्टमक और ये है मेरा, अगर सब तुम लोग देख पा रहे हो तो ये है विंड पाइप, ये है फूड पाइप। ठीक है ना, इसोफेगस है ये, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस आ गया, तो ये है तुम्हारा इसोफेगस, ये है स्टमक। तो कोई ड्रग अगर यहाँ पे इरिटेट करेगा, ठीक है, ये इसको इसको तंग करेगा, ठीक है ना, जैसे बहुत चिली टाइप का कुछ रहेगा, तो क्या होगा, इसको बॉडी इसको ये करना चाहेगा कि किसी तरह से ये मतलब पूरा ढक जाए म्यूकस से। तो नॉर्मल जितने म्यूकस है वो तो सीक्रेट होता ही है स्टमक, स्टमक तुम्हारा होगा, बट यहाँ पे भी इस रूट से तुम्हारा यहाँ का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरेंट्स है वो ऐसे काम करता है। अब समझ में आया कि हम तो खा रहे हैं यहाँ पे,
खा रहे हैं किसके लिए, मतलब वो तो जा रहा है यहाँ पे राइट, और जाके क्या करेगा, तुम्हारा स्टमक को इरिटेट कर देगा, गैस्ट्रिक इरिटेट है, इरिटेट का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वो रिफ्लेक्स से फिर कहाँ जाएगा, तुम्हारा इसोफेगस में, और जाके यहाँ पे काम करेगा। तो जब जब यहाँ पे अगर यहाँ पे मूवमेंट होगा, यहाँ पे जब मूवमेंट होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो भी तुम्हारा डेब्रिस होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और बाहर जाके कहाँ चला जाएगा, स्टमक में, और यहाँ जो गैस्ट्रिक एंजाइम रहेगा डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, ऑयल ऑफ यूकेलिप्टस, टोलू बल्सम, पोटेशियम और सोडियम साइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, तुम लोग को जानना है एक नाम, क्या नाम, पोटेशियम आयोडाइड, और क्या नाम, FDA अप्रूव्ड, ठीक है, जो अमेरिका का तुम्हारा लाइसेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन FDA, वो सिर्फ एक ग्वायफेनेसिन सिर्फ इसी को अप्रूव किया है। तुम लोग कफ सिरप में ये ग्वायफेनेसिन जरूर देखे होगे, जाके देखो, बहुत सारे दवाई कंपनी है जैसे जीट हो गया, ठीक है, जैसे तुम्हारा हम लोग बहुत सारे हैं, ठीक है ना, तो मतलब देयर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ देम, ठीक है ना, तो हम बहुत यूज करते हैं, तो उसमें तुम लोग जाओगे देखोगे तो देखोगे कि मैं बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। तुम लोग अपने घर में कभी भी कोई कफ सिरप यूज किए होगे तो वहां रखा होगा बोतल, उसको उठा के देखना क्या मिलेगा, एम्ब्रोक्सोल मिलेगा, ग्वारफेसिन मिलेगा, है ना, ये सब मिलेगा, किसमें, वेट कफ में उसको यूज करेंगे, और अगर ड्राई कफ रहा है तो क्या यूज करेंगे, तो उसमें देखना डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन, समझ में आया, अपने घर में जाके देखना। अच्छा, दूसरा क्या हम बोलना चाह रहे थे कि डायरेक्ट एक्सपेक्टोरेंट का ये एग्जाम्पल हो गया, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड, तो बोलने का मतलब क्या हो गया कि पोटेशियम आयोडाइड इज बोथ व्हाट, इट इज द रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरेंट आल्सो एंड डायरेक्ट एक्सपेक्टोरेंट आल्सो, ठीक है, इट इज अ वेरी पावरफुल म्यूकोकाइनेटिक ड्रग, ठीक है। ग्वारफेनेसिन के बारे में यहाँ पे नोट लिखे थे हम, इट इज ओनली FDA अप्रूव, कफ रिफ्लेक्स को सेंसिटिविटी को क्या करेगा, कम करेगा, और इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेक्टोरेंट एज वेल, जो तुम लोग जानते हो राइट। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, व्हाट इज कफ, है ना, टाइप्स, मेडिकेशंस, डिफाइन कफ, कफ सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, एंटीटसिव क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, आई बिलीव कि तुम लोग ये सब बोल पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इन जनरल अगर मैं बोलूं तो कफ मैंने कवर किया राइट। सो कफ एक्चुअली क्या है, मतलब पेशेंट आया मेरे पास, ठीक है सर हमें कफ हुआ है, तो हम पूछेंगे बताओ सूखा खांसी है या फिर क्या खांसी है, गीला खांसी है, मतलब बलगम आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। जब हो गया तो फिर क्या बोलेंगे उसको, क्या पूछेंगे हम, कि अगर वेट आता है तो व्हाइट स्पूटम आता है, ठीक है, व्हाइट स्पूटम आता है या फिर आपका येलोइश स्पूटम आता है। तो अगर येलोइश स्पूटम होता है तो, या फिर ये किसी सिक्रीशन के कारण हो रहा है, या फिर कुछ भी हो सकता है, एलर्जिक, इवन एलर्जिक भी हो सकता है, ड्राई इज जनरली एलर्जिक, तो जहां पे एलर्जिक, इसमें भी अगर एलर्जिक लगेगा तो यहाँ पे हम क्या देंगे, लिवोसेट्रिजिन, ठीक है, और साथ में हम लोग डिमल्सेंट पढ़े थे, है ना, जो लॉजेंज ये सब बोल रहे थे, तो यहाँ पे वेट कफ में लॉजेंज का कोई यूज है, एकदम नहीं, एक तो पहले ही सिक्रीशन बढ़ा हुआ है, हम और सिक्रीशन बढ़ा देंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, तो बहुत लोग क्या करते हैं, तो वेट कफ होता है और बैठ के लॉजेंज चूसते रहते हैं, तो ये गलत है राइट, जो गलत है वो नहीं करना है। कफ इज अ वेरी वेरी इजी टॉपिक, बट बिलीव करो एज सच अगर देखा जाए तो, अगर तुम प्रिस्क्रिप्शन देखोगे डॉक्टर का, पता है क्या देखोगे, सबसे पहला दवाई एजिथ्रल मत देना, गलत है, मतलब भाई एजिथ्रोमाइसिन, है ना, बिना मतलब का एंटीबायोटिक नहीं खाना चाहिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। दूसरा दवाई बहुत सारा डॉक्टर क्या लिखेगा, सबसे पहले एमोक्सिक्लैब भी नहीं, तो एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, बट स्टिल अगर इन्फेक्टिव कफ है, येलो स्पूटम है, इन्फेक्टिव कफ है, तो हम एजिथ्रोमाइसिन देंगे, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं, एमोक्सिक्लैब भी दे सकते हैं, एक बैक्टीरियोस्टैटिक है, ठीक है, और ये बैक्टीरियोसाइडल है, देख लेना क्या हुआ है और क्यों दे रहे हैं, ठीक है। कभी भी अपने से ट्रीटमेंट कभी नहीं करना चाहिए, गो टू अ रेस्पिरेटरी मेडिसिन स्पेशलिस्ट, जो MD किए हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन से, या MBBS के पास भी जा सकते हो,
ठीक है ना, या जिसके पास भी तुम जाओगे वहां जाके स्टेथो से सुनना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कफ कितना जमा हुआ है बॉडी में। जो हम रिसेंट एडवांसेस बोलना चाह रहे थे, बहुत सारा चीज है इसमें, ठीक है ना। डायबिटीज में तुमको बस एक चीज जान के रखना, एक चीज बस जान के रखना कि अभी जो डायबिटीज हो रहे हैं उसमें डिमेंशिया तो होता ही है। इट इज अ डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, इट इज अ मल्टीपल सिस्टम डिसऑर्डर, ठीक है, और इससे डिमेंशिया भी होता है, ठीक है, डिप्रेशन भी होता है, ब्रेन चला गया, बिलीव करोगे, इससे डिसफंक्शन भी होता है। ये मुझे बताना था, मतलब डिसफंक्शन मतलब बोथ मेल एंड फीमेल, मेल में क्या होगा इरेक्टाइल डिसफंक्शन और फीमेल में क्या होगा डिक्रीज इन द लिबिडो, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम और बहुत सारे होते हैं, ड्राइनेस, वेजाइनल ड्राइनेस, ये सब प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत कम बात किया जाता है। डायबिटीज में एक अलग कंसेप्ट है, एक न्यू कंसेप्ट है जो एक्चुअली नहीं होता है जनरली, वो है डेंटल। डेंटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेंटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायबिटीज में डेंटल चेंजेस होते हैं, ठीक है। आइडियली 6 मंथ में हम लोग इसके पास जाना चाहिए, जो हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं सेंसोडाइन यूज करते हैं, जैसे एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, राइट, तो हम लोग सेंसोडाइन यूज करते हैं। तो सेंसोडाइन बहुत लोग यूज करते हैं, कॉलगेट उलगेट का ऐसे मतलब ज्यादा नहीं है, बचपन में हम ही कॉलगेट पेप्सोडेंट और ये सब वगैरह वगैरह, रामदेव बाबा का भी कुछ कुछ था वो मुझे नहीं पता, वो लोग यूज करते हैं बहुत सारे, या वी को वज्रदंती या पता नहीं क्या क्या देते थे दूरदर्शन में। सेंसोडाइन इज वेरी गुड एक्चुअली, राइट, बट एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूँ कि ये तो हम लोग यूज कर रहे हैं, बट हम लोग को डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि अर्ली साइंस ऑफ इवन डायबिटीज हम लोग को डेंटल प्रॉब्लम्स में दिख जाएंगे, डेंटल केरीज होने लगेंगे, प्रॉब्लम्स होगा, है ना। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। डायबिटीज में बहुत सारे रिसेंट चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, नॉर्मल हम लोग जो क्या करते थे, हम लोग एक सिंगल स्ट्रिप से एक बार में वन स्ट्रिप और एक बार में सिंगल ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते थे, ठीक है ना, सिंगल स्ट्रिप ग्लूकोज मॉनिटरिंग, ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट जो है ये खत्म हो गया है, ये मतलब अभी इंडिया में ऑब्वियसली यही चलेगा और कम से कम 10 साल तक यही चलेगा, बट एक्चुअली अभी जो कंसेप्ट है वो कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का आ गया है। कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग मतलब हम लोग को लगातार ग्लूकोज को मॉनिटर करना है, मतलब ऐसे मशीन आएंगे जो हमारे बॉडी से अटैच रहेंगे और रेगुलरली हम लोग को ग्लूकोज का मॉनिटरिंग करने में हेल्प करेगा, जानने देगा। उसका एडवांटेज क्या है, मतलब क्यों, वाई वाई कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का क्या एडवांटेज है? कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का ये एडवांटेज है, इसमें हाइपोग्लाइसीमिया वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोग्लाइसीमिया जिससे पेशेंट इवन कोमा में जा सकता है, हाइपोग्लाइसीमिक शॉक में जा सकता है, कोमा में जा सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा बहुत बार हुआ है कि व्रत किया, इंसुलिन लगा लिया, ठीक है, पेशेंट मेरा मर गया, चल के आया कहाँ पे, इमरजेंसी, मेरा पेशेंट जो है कुछ अब जवाब नहीं दे रहा, देखिए क्या हो गया डॉक्टर साहब, हम लोग क्या किए उसका, क्या करेंगे, तुरंत फटाफट निकालेंगे तुम्हारा ब्लड ग्लूकोज कितना है, ठीक है, स्ट्रिप से फटाक से निकाले ब्लड ग्लूकोज, देखिए कितना है, 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, अपने जूनियर इंटर्न को 10%, 15%, जो भी है जो निकल रहा है, डेक्सट्रोज उठा के लाओ, डेक्सट्रोज, और 5% 10% जो भी है डेक्सट्रोज, जब हम लोग जैसे ही देंगे, जो कोमा में था पेशेंट वो क्या होगा, जाग जाएगा, तो जाग जाएगा तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएंगे, भगवान, ठीक है, डॉक्टर साहब आप तो भगवान है, मरे को जिंदा कर दिए, हम लोग मरा को जिंदा नहीं किए, हम लोग जो हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट थे, हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट से, उसको हम लोग क्या किए, यूग्लाइसेमिक कर दिए, ठीक है। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो था, ये इसका रोल और दिन ब दिन ये और बढ़ते जाएगा, और अभी ऐसे ऐसे मतलब पंप्स आ रहे हैं जो तुमको रेगुलर ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते रहेगा, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज डिस्कशन, हम लोग डायबिटीज के बारे और बहुत बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, और आई सजेस्ट
कि तुम लोग अगर ये किताब अगर पढ़ सकते हो तो प्लीज स्टडी दिस बुक, ठीक है ना। दिस इज प्रैक्टिकल बुक ऑफ दिनेश भद्याल, ठीक है। और मैं दे दूंगा, इट इज अ प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ फार्माकोलॉजी। और एक सेकेंड रुको, एंड इसका प्रिफेस में देख लो, यहाँ पे तुम्हारा बहुत सारे चैप्टर्स है। ये क्लिनिकल फार्मेसी का है, तुम लोग के लिए क्लिनिकल फार्मेसी जानना बहुत जरूरी है। इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज मैं बता देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। तो ये बैलेंस क्या होता है, ये सब तुम लोगों को डिटेल में जानना, जितना तुम जानते हो, ठीक है। एनरिच योर नॉलेज, ठीक है ना। मोटर पिस्टल क्या होता है, ये क्या होता है, सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। और हम लोग जानते सब कुछ है बट रिवाइज नहीं करते, इसीलिए सब लोग भूल जाते हैं। और तुम बिलीव करो, हमेशा तुम लोग को एग्जाम के लिए रेडी रहना है। कब, कौन सा तुम इंटरव्यू में, कौन सा एग्जाम में तुम चले जाओगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे एंड ऑफ द सेशन जो है, इसमें तुम्हारा मतलब ये सब इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्वेश्चंस जो है दिया हुआ है, हाउ टू कन्वर्ट, मेजर करते हैं, ठीक है। ये सब तुम लोग जान के रखो, कभी कभी यही गलती हो जाता है। साइंस में तुम लोग गलती करते हैं, औंस क्या होता है, ठीक है ना, पिंट्स क्या होता है, गैलन क्या होता है, ऑज क्या होता है, ठीक है। तो ये सब तुम लोग जान के रखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक टीस्पून में कितने एमएल होते हैं, जब तुम लोग दवाई खाते हो तुमको पता होना चाहिए कि क्या होता है, टेबल स्पून क्या होता है, टी स्पून क्या होता है ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जान के रखो तुम लोग को, इसीलिए हम दिखा दे रहे हैं ताकि तुम लोग पढ़ोगे इस चीज को। अब थ्राइस अ डे, और ये सब का फुल फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ कुछ हम लोग डिस्कस भी किए थे जो लोग मेरे से पढ़े हैं वहाँ पे। TDS, QID, ये सब 3 times a day, 4 times a day, है ना। Q4H every 4 hourly, ये सब है, ठीक है। नेबुला मीन स्प्रे होता है, और ये सब तो जानते ही हो, ये सब इस वर्ड से आया है। दीज आर ऑल फ्रॉम दिस वर्ड, दिस फ्रेज, ठीक है। तो दिस फ्रेज से ये हम लोग का बना एब्रिविएशन, और उसका इंग्लिश मीनिंग ये है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या बना है, ये बना है, जान के रखो। यहाँ कुछ क्वेश्चंस भी है तुम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, ठीक। अगर ये जान लोगे तो तुम लोग मेडिकेशन एरर करने से बच जाओगे। तो अगले दिन मतलब ये पढ़ लेना, व्हाट इज मेडिकेशन एरर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुम लोग का बहुत बड़ा रोल है इसमें, मेडिकेशन एरर में। अगर सही से नहीं जानोगे, प्रेस्क्रिप्शन नहीं पढ़ पाओगे सही से, मेडिकेशन एरर कर लोगे, गलत दवाई चल जाएगा पेशेंट को। लेबलिंग ऑफ द ड्रग इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जान के रखो क्या क्या चीज रहता है इसमें लेबलिंग में, कुछ कुछ चीज जानते हो, तुम लोग को बताए भी थे कुछ लोग जो हम इससे पहले पढ़े हैं। शेड्यूल एच ड्रग, ऐसे वार्निंग रहता है, कोई भी शेड्यूल एच ड्रग जो है वो बिना प्रेस्क्रिप्शन का तुम नहीं दे सकता है तुमको, ठीक है। ये सब जान के रखना। ओवर द काउंटर ड्रग क्या होते हैं, ये सब जान के रखना, यहाँ पे मतलब इस बुक, ये ई बुक मैं फिर से शेयर कर दूंगा तुम लोग के साथ, तो तुम लोग इसको आराम से पढ़ सकते हो, राइट। और इसमें फार्माकोपिया क्या है, हम लोग ये सब डिस्कस भी किए थे, ठीक है। IP BP ये सब लिखा रहता है, ठीक है। कंट्रोल रिलीज, सस्टेन रिलीज, ये सब दवाई के साथ लिखा रहता है, सब देख के रखना। बहुत सारे शेड्यूल देखो, एक जगह लिखा हुआ है सब, जो तुम्हारा शेड्यूल एक्स होता है या साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, उसका तुम्हारा स्पेशल लाइसेंस रहता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल, है ना। वाई है, वो सब ट्रायल्स वाले होते हैं, ठीक है। जैसे वैक्सीन ट्रायल हो रहा है तो ये सब शेड्यूल वाई में आ जाता है, ठीक है। और FF जो होता है वो ऑप्थेलमिक सॉल्यूशंस में लिखा रहता है। GH मतलब, जी मतलब गिव टू ड्रग्स होता है, एच मतलब हॉल्ट होता है, ठीक है। जान के रखो, ये सब इम्पोर्टेंट है, राइट। फार्मेसी प्रिपरेशंस कुछ हो गए, कैलामाइन लोशन कैसे बनता है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ द इंस्ट्रक्शन सारे दिए हुए, ठीक है। बहुत सारे तुम लोग जानते भी हो और बहुत सारे तुम लोग नहीं भी जानते हो। सो आई एंड दिस सेशन, ठीक है। एनीवन हैज एनी डाउट, यू कैन आस्क। एनीवन हैज एनी डाउट, यू कैन आस्क। नो सर, नो सर। ओके, तो अच्छा लगा ना, ठीक लगा, कुछ समझ में आया। यस सर, ओके चलो, यस सर, थैंक यू सर। ओके, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम, एंड इट विल बी मोर इन्फॉर्मेटिव। दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग माय टैबलेट, ठीक है। तो अगले बार इसको और अच्छे से करेंगे, ठीक है ना, टाइम लेके करेंगे। सो चलो, गुड नाइट, ओके सर, साइनिंग गुड ऑफ, नाइट, थैंक यू सर, चलो बाय, गुड नाइट सर।